आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एलिमेंट्री गुरु चैनल पर बात करने जा रहे हैं साइंस क्लास 7 चैप्टर 4 हीट पार्ट 2 की। बच्चों, पार्ट 1 मैंने इसका पहले ही अपलोड किया हुआ है चैनल पे, तो जिसने नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देखे और उसे समझे और उसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट करें। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे नए टॉपिक ट्रांसफ़र ऑफ हीट की। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। व्हेन द पैन इज रिमूव फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल्स डाउन। व्हाई डज इट कूल डाउन? द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेज द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट। In fact, in all cases, heat flows from a hotter object to a cooler object. How does heat flow? So, बच्चों, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम किसी फ्राइंग पैन को फ्लेम पे रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि फ्लेम से जो हीट है वो पास होके यूटेंसिल में हमारे फ्राइंग पैन में आ गई है, लेकिन जब हम पैन को फायर से रिमूव करते हैं तो वो ठंडा हो जाता है धीरे धीरे। अब वो ठंडा कैसे हो रहा है? क्योंकि उसकी जो हीट थी वो आसपास की जो सराउंडिंग है उनमें ट्रांसफ़र हो गई है। तो दोनों केसेस में क्या हो रहा है कि जो हीट है वो हॉटर ऑब्जेक्ट, गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ आ रही है, और हर केस में यही होता है कि हीट जो है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है। अब हम देखेंगे हीट फ्लो कैसे करती है। सो फर्स्ट इज़ कंडक्शन, द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कंडक्शन। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। सो बच्चों, कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफ़र करती है हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ, और इसी प्रोसेस को कंडक्शन कहते हैं। और सॉलिड में जनरली जो ट्रांसफ़र होता है हीट का, वो कंडक्शन के थ्रू ही होता है। Do all substances conduct heat easily? You must have observed that the metallic pan for cooking has a plastic or wooden handle. Can you lift a hot pan by holding it from the handle without getting hurt? So, बच्चों, अब क्या सारे substances heat ऐसे ही conduct करते हैं easily? No. आपने देखा होगा जो हमारे घर में कुकिंग के लिए पैन्स होते हैं उसके प्लास्टिक के या वुडन के हैंडल्स होते हैं, और जब हम उस गर्म पैन को उन हैंडल्स के थ्रू उठाते हैं तो वो हैंडल्स गर्म नहीं होते हैं। मतलब कि जो वुड और प्लास्टिक है वो इस तरीके से हीट ट्रांसफ़र नहीं करती है। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट, फॉर एग्ज़ाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। The materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat, such as plastic and wood. Poor conductors are known as insulators. So, बच्चों, जो ऐसे materials होते हैं जो heat को अपने से easily pass होने देते हैं वो conductors कहलाते हैं, conductors of heat, जैसे कि aluminium, iron and copper. लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो हीट को पास नहीं होने देते और हीट के पुअर कंडक्टर्स होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक एंड वुड। ये पुअर कंडक्टर्स इंसुलेटर्स कहलाते हैं। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, देन हाउ डज द हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस? लेट्स फाइंड आउट। सो बच्चों, वाटर और एयर वैसे तो पुअर कंडक्टर्स हैं हीट के, बट फिर भी इनमें से हीट ट्रांसफ़र होता है। अब हम देखेंगे कैसे। When water is heated, the water near the flame gets hot. Hot water rises up, the cold water from the sides move down towards the source of heat. This water also gets hot and rises, and water from sides moves down. This process continues till the whole water gets heated. This mode of transfer is known as convection. अब क्या होता है बच्चों, वाटर में जब पानी को गर्म किया जाता है तो जो फ्लेम के पास वाला वाटर होता है वो हॉट हो जाता है, और हॉट वाटर ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। अब जो ऊपर की तरफ वाटर था साइड से, वो नीचे आ जाता है, ठीक है, टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट, जहाँ से हीट आ रही है। इस तरह से वो वाटर भी हॉट हो जाता है और ऊपर जाता है, और ठंडा वाटर नीचे आ जाता है। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक सारा जो वाटर है वो हीट अप ना हो जाए, और इस हीट ट्रांसफ़र के प्रोसेस को कन्वेक्शन कहते हैं। हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एयर? In which direction does the smoke go? The air near the heat source gets hot and rises.
the air from the sides comes in to take its place. In this way the air gets heated. So बच्चों ऐसे ही एयर में कैसे हीट ट्रैवल करती है और किस डायरेक्शन में करती है, इसमें भी ऐसे ही होता है कि जो हीट सोर्स के पास की एयर होती है वो गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ उठ जाती है। इससे क्या होता है, जो कूल एयर है वो साइड से नीचे आ जाती है टुवर्ड्स हीट। इस तरीके से एयर जो है वो हीट अप हो जाती है। नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन, देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट ऑन द साइड्स, हाउएवर देयर इज़ नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एट द टॉप। आपने देखा होगा जब कभी कैंडल, जैसे कि यहाँ फिगर में आपको दिख रहा है, जब कभी हम कैंडल के ऊपर हाथ रखते हैं तो हमें हमारा हाथ जल जाता है, बट अगर हम कैंडल के पास में साइड में हाथ लगाते हैं, हम कितना भी पास ले आए अपना हाथ, हमारा हाथ नहीं जलता है। क्यों? क्योंकि जो कन्वेक्शन है वो ऊपर की तरफ हो रहा है, हॉट एयर ऊपर जा रही है साइड्स में नहीं जा रही है, तो इसलिए जो कन्वेक्शन है वो ऊपर की साइड हो रहा है। The people living in the coastal areas experience an interesting phenomena. During the day, the land gets heated faster than the water. The air over the land becomes hotter and rises up. The cooler air from the sea rushes in towards the land to take its place. The warm air from the land moves towards the sea and completes the cycle. The air from the sea is called the sea breeze. Sea breeze to receive the cooler sea breeze, the windows of the houses in coastal areas are made to face the sea. At night, it is exactly the reverse. The water cools down more slowly than the land. So the cool air from the land moves towards the sea. This is called land breeze. अब बच्चों यहाँ देखो, आपको ये डायग्राम दिख रहा है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जो कोस्टल एरियाज में होता है, समुद्र के पास होता है। इसमें क्या होता है, जो दिन के टाइम जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो हीट हो जाती है वाटर से ज़्यादा फास्ट, तो उसके ऊपर की जो एयर है वो भी हॉट हो जाती है और वो ऊपर की तरफ बढ़ती है। जब वो एयर ऊपर की तरफ बढ़ती है, जो कूलर एयर है सी की तरफ, वो उसकी जगह ले लेती है और वार्म एयर जो है वो सी की तरफ चली जाती है साइकिल को कंप्लीट करने। द एयर जो सी की तरफ से एयर आ रही है वो सी ब्रीज कहलाती है, और सी ब्रीज को रिसीव करने के लिए जो कोस्टल एरियाज़ में घर बने होते हैं उनकी विंडोज़ जो होती हैं वो सी की तरफ रखी जाती हैं, जिससे कि सी ब्रीज घरों में आ सके। ऐसे ही रात में क्या होता है, इसका उल्टा प्रोसेस होता है, क्योंकि जो वाटर है वो जल्दी ठंडा नहीं हो पाता, लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है, तो वाटर की जो एयर है वो हॉट होकर ऊपर चली जाती है और लैंड से कूल एयर सी की तरफ जाती है, इसे लैंड ब्रीज कहते हैं। इस प्रोसेस, ये आपको इस नीचे डायग्राम में पूरा प्रोसेस दिख रहा है। डे टाइम में क्या हो रहा है, कूलर एयर आ रही है सी से लैंड की तरफ, और नाइट टाइम में लैंड से सी की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती है। अब हम बात करेंगे एक और मोड ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफ़र की, जो है रेडिएशन। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म, हाउ डज द हीट फ्रॉम सन रीच अस? इट कैनॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देर इज़ नो मीडियम सच एज एयर in most part of the spaces between the earth and the sun. From the sun, the heat comes to us by another process known as radiation. The transfer of heat by radiation does not require any medium. It can take place whether a medium is present or not. When we sit in front of a room heater, we get heat by this process. A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfers heat to the surroundings by radiation. Our body too gives heat to the surroundings and receive heat from it by radiation. All hot bodies radiate heat. When this heat falls on some object, a part of it is reflected, a part is absorbed, and part may be transmitted. The temperature of the object increases due to the absorbed part of the heat. So, bacho, ab hum jab suraj mein bahar jaate hain, dhoop mein bahar jaate hain, to hum hamari body ko garam feel hota hai. अब ये हीट हम तक पहुंच कैसे रही है सूरज से, क्योंकि ये कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू तो आ नहीं सकती, क्योंकि कोई मीडियम नहीं है बीच में, ठीक है। सो क्या होता है, फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। अब ये एक तीसरा प्रोसेस है जिसको हम रेडिएशन कहते हैं। तो सूरज से जो हीट हम तक आती है वो रेडिएशन के थ्रू आती है, इसमें कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। और इसमें मीडियम हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रेडिएशन कैन टेक प्लेस। जब हम किसी रूम हीटर के आगे बैठते हैं तो
जो हीट हम तक आती है वो इसी प्रोसेस के थ्रू आती है। एक हॉट यूटेंसिल जब हम फ्लेम से अलग कर देते हैं और वो कूल डाउन होता है, तो उसकी भी हीट जो सराउंडिंग में ट्रांसफ़र होती है वो रेडिएशन के थ्रू होती है। हमारी बॉडी भी जो है वो हीट देती है सराउंडिंग्स में और रिसीव भी करती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। जितनी भी हॉट बॉडीज़ हैं वो हीट रेडिएट करती हैं, और जब हीट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है तो उसका कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, वापस आ जाता है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ ट्रांसमिट हो जाता है। अब जो एब्जॉर्ब हो गया है उसी की वजह से जो ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर बढ़ता है। काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर, यू नो दैट इन समर वी प्रिफर लाइट कलर क्लोथ्स एंड इन विंटर वी यूजली वेयर डार्क कलर क्लोथ। ऐसा क्यों है कि हम समर में तो लाइट कलर क्लोथ प्रेफर करते हैं और विंटर में डार्क कलर क्लोथ्स? डार्क सरफेसेस जो होते हैं वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर पाते हैं, तो इसीलिए हम सर्दियों में विंटर्स में हम डार्क कलर के कपड़े में कंफर्टेबल होते हैं, और लाइट कलर क्लोथ्स जो होते हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो इसीलिए हम ज़्यादा कंफर्टेबल लाइट कलर क्लोथ्स समर में हम होते हैं। वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। In the winter, we use woolen clothes. Wool is a poor conductor of heat. Moreover, there is air trapped in between the wool fibers. This air prevents the flow of heat from our body to the cold surroundings, so we feel warm. अब विंटर में क्या होता है कि हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, वूल एक पुअर कंडक्टर है हीट का। इसके अलावा जो लूप्स होते हैं, जो वूल फाइबर्स हैं, उसके बीच में एयर ट्रैप्ड रहती है, तो इसकी वजह से हीट का फ्लो नहीं हो पाता है हमारी बॉडी से कोल्ड सराउंडिंग में, सो इसलिए वी फील वार्म इन वूलन क्लोथ्स। सो बच्चों, यहाँ आपका हीट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप दोनों पार्ट्स को अच्छे से समझिए।